वेलकम दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन है, उसके कारण आपको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ने लगती है, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उपयोग की जाती है। ये मेडिसिन कौन सी है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि ज्वाइंट पेन, जैसे कि हमारे जितने भी ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर के ज्वाइंट, रिस्ट के ज्वाइंट, या हमारे स्पाइन के जो ज्वाइंट होते हैं, या हमारे हिप के पास जो ज्वाइंट होती है, या नी का ज्वाइंट हुआ या फुट का ज्वाइंट हुआ, जब उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जैसे कि कैल्शियम के डिफिशंसी या न्यूरोपैथिक पेन या साइटिका वाली पेन जो होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, अगर हम बात करें जैसे कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें काज क्या होते हैं, यानी कारण क्या होते हैं, आपके जॉइंट पेन के मुख्यतः कारण क्या क्या रहते हैं, तो उनमें जो कारण देखा गया है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे कॉमन कारण, अगर बात करें कारणों की, तो सबसे कॉमन कारण जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बुर्साइटिस, गाउट हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस, और जो हमारे पटेला फीमर बोन होती है जिसको पी या पीएस कहा जाता है, उसमें पेन होने की वजह से टेंडोनाइटिस या इरिटेटेड रोटेटर कप जो होती है, यानी रोटेटर कप जो हमारे शोल्डर के पास होती है, उसमें किसी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन आ जाता है या खिंचाव आ जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, तो जब ऐसी कंडीशन आती है, हमारे जोड़ों में पेन होता है, तो वहाँ पर कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। वहाँ पे जब आप जांच करवाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा हो, स्टिफनेस आ जाती है, नमनेस आपको महसूस होती है, यानी आपके पाँव में नमनेस जैसी महसूस होगी, नॉइजी ज्वाइंट होगी, आपकी क्लिकिंग यानी जब आप चलेंगे तो हो सकता है आपको जैसे एकाएक काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगेगी, पेनफुल मूवमेंट रहेगा, डिफ़िकल्ट वेंडिंग एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, जब आप अपने पैरों को फैलाएंगे या मोड़ेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो, लॉस ऑफ मोशन यानी आपको चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, रेड एंड हॉट स्वेलन जॉइंट, आपके जॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस आ सकती है, वहाँ पे सूजन आ सकती है। तो ये कुछ जो है वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब आपके जॉइंट में पेन होती है। वहीं अगर हम बात करें मेडिसिनल ट्रीटमेंट की, तो उनमें जो मुख्यतः मेडिसिन दी जाती है उनमें बात करेंगे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि योगीराज फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, खासकर ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि गाउटवटी नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। गाउटवटी प्लेन आती है और गाउटवटी गोल्ड आती है जो कि R100 में रहती है। अगर बात करें तो जैसे कि गठिया हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, या आपके बैक पेन हुआ, या साटका के पेन हुआ, या कमर दर्द हुआ, तो इन सब कंडीशन पे इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस मेडिसिन की प्राइस की और इस मेडिसिन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो मेन इंग्रेडिएंट हैं जैसे कि पिपाली मोला होता है, चौविया, ये सारे प्लांट के कंपोजिशन से ये दवा बनाई जाती है। अगर इस मेडिसिन की प्राइस की बात करें तो ये मेडिसिन आपको 190 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन की हम डोज की बात करें तो ये मेडिसिन सुबह शाम ली जा सकती है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी विटामिन के डिफिशेंसी की वजह से, तो वहाँ पे कुछ विटामिन के कैप्सूल दिए जाते हैं और टैबलेट भी दिए जाते हैं। तो कैप्सूल की बात करें तो वह है मीकोवाल प्लस की कैप्सूल जिसमें मिथाइल कोबलामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, फोलिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड और थायमिन, ये सारे कंपोजिशन पाई जाती है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन पाई जाती है। तो इस मेडिसिन को हमेशा रात में लेने की सलाह दी जाती है जो कि एक टाइम दी जाती है। वहीं कुछ अदर मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि क्या होता है, जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस समय आपको आयल दी जाती है जो कि खासकर ये आयल अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। ये आयल है बांस का जल, यानी बांस जो होती है उसका जल होता है जिसमें कई सारे कंपोजिशन होते हैं और कई सारे जो है साल्ट मिक्स किए जाते हैं। ये तेल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो कि आपको पेन से बचाती है। अगर आपके जॉइंट में इन्फ्लामेशन आए या स्टिफनेस आ गई है या आपके मसल
या आपके बैक में पेन हो रहा हो तो वहाँ पे ये दिन में 2 से 3 बार अप्लाई की जाती है। कुछ अदर ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम युक्त आहार ले सकते हैं, या तो आप कुछ इंजेक्शन जैसे कि डेकाडेराबोलिन के इंजेक्शन भी ले सकते हैं। अगर इसका आप उपयोग करेंगे तो आपको जोड़ों के दर्द से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।